डियर स्टूडेंट दिस क्लास टेंथ सब्जेक्ट इंग्लिश यस्टर डे वी डिड द एक्टिव वॉइस एंड पेशू वाइस एंड वी रीच इड ए पार्ट नंबर फाइव पार्ट नंबर फोर तीन सेंटेंस हमने किए हैं अब हमें चौथा करना है हमें वही देखना है कि जो एक्टिव वाइस में होता है एक्टिव वाइस में जो सब्जेक्ट होता है वो पेशू वाइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है और जो पेशू uh, वाइस में ऑब्जेक्ट होता है वो यहाँ सब्जेक्ट बन जाता है जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट होता है वो पेश वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है लेकिन यहाँ कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिन पे ये रूल फॉलो नहीं होता है इनको एक्सेप्शनल सेंटेंस कहा जाता है तो कल हमने तीन के अब हम चौथा अगर हम देखेंगे लेट द ट्रूथ लेट द ट्रूथ बी ऑलवेज स्पोकन ये पेश वॉइस में वहीं से दिया गया है इसको एक्टिव बनाना है लेट द ट्रूथ बी ऑलवेज स्पोकन तो क्या बनेगा इसको अगर आप ट्राई करेंगे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ जैसे यहाँ हमने किया है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर फाइव यू हैव नॉट स्पोकन द ट्रूथ एक्टिव है पेशिव बनाना है द ट्रूथ हैज नॉट बीन स्पोकन बाय यू प्रेजेंट टेंस में और पास्ट पार्टिसिपल बन गया यू हैव नॉट स्पोकन द ट्रूथ The truth has not been spoken by you. Sixth part. Keep it a secret. Keep it a secret. Let it be kept a secret. Let it be kept a secret. God be thanked. God be thanked. Thank God. God be thanked. Thank God. The teacher punished him. द टीचर पुनशिड हिम ये वही वाला सेंटेंस से है जहाँ रूल ये फॉलो करता है कि जो यहाँ ऑब्जेक्ट बने ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनेगा और जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बनेगा तो यहाँ हिम है तो यहाँ ही आएगा ही वॉज पुनश बाय द टीचर बाय द टीचर टीचर यहाँ ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट था तो यहाँ ऑब्जेक्ट बन गया और यहाँ ही जो है ये प्रोनाउन है तो यहां हमने आ, ही लगाया ही वाज पुनश बाई द टीचर पार्ट नंबर नाइन द ट्री वाज कट बींगई द वुड कटर यह पेश है द द ट्री वॉज बींग कट बाई वुड कटर ये वहीं से पेश हमें एक्टिव बनाना है द वुड कटर वॉज कटिंग द ट्री द वुड कटर वॉज क्योंकि यहां बींग है कंटिन्यू सेंटेंस है तो इसलिए यहां कटिंग आएगा कैन टेस्ट इज बिटर कैन एक मेवे का नाम है एक तो वहाँ ये क्या होता है तो ये बिटर महसूस जब हम इसको खाते हैं इसका मज़ा बिटर इसका होता है बिटर यानी वो मीठा नहीं होता है खट्टा होता है कैन इज बिटर वैन टेस्टेड ये इसका बनेगा ये एक्सेप्शनल सेंटेंस है यहाँ रूल का फॉलो नहीं होगा शी हैज़ टॉट हिम अ गुड लेसन शी हेज़ टॉट हिम अ गुड लेसन तो ये भी सेंटेंस है यहां ये जो एक्टिव वाइस में जो हम ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट देखते हैं ये यहां ऑब्जेक्ट बनेगा और जो ऑब्जेक्ट होगा ये यहां सब्जेक्ट बनेगा यहां ए गुड लेसन तो ए गुड लेसन हैड बीन टाट यहां ये क्या है यहां ये पास्ट पार्ट्स यहाँ ये अगर हम देखेंगे हैज uh, हैजाट ये ये कौन सा टेंस है हा? हा? ये यहाँ अगर हम देखेंगे तीन सेंटेंस आपने देखे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट तो अगर ये इंडेफ ये तो इंडेफिनिट सेंटेंस नहीं है ही हैज तो ये है यहाँ परफेक्ट टेंस तो ये पास्ट परफेक्ट यहाँ बन जाता है हैड बीन टॉट टू हिम बाय हर ए गुड लेसन हैड बीन टॉट टू हिम बाय हर तो यहाँ ये सेंटेंस जो है ओपन द डोर ओपन द डोर मैंने यहाँ पहले लिखा ये इसका ओपन द डोर तो इसका बनेगा लेट द डोर बी ओपन लेट द डोर भी अगर जो हम कहेंगे कीप द प्रमिस प्रामिस बी कैप्ट थर्टीन सेंटेंस द मैटर विल बी लुकड इन टू बाई द पोलिस पैशू वाइस वहीं से दिए गए हम एक्टिव बनाना है द पोलिस लुक इंटू द मैटर द पोलिस मैटर फोर्टीन स्टॉप राइटिंग

तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कि एक्टिव से हम पैसिव में कैसे चेंज करते हैं और कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जहाँ इन रूल्स का फॉलो नहीं होता है तो डियर स्टूडेंट्स इंशाल्लाह आई विल शेयर द द कॉपी ऑफ दीज ऑफ दिस क्वेश्चन विद यू थ्रू एल एमस एप आई होप दैट यू विल डू बेटर एट योर होम थैंक्स